नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के गैर कानूनी कब्जे को लेकर पार्टी पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 31 मई को जुर्माने की राशि लगभग 27 लाख रुपए थी और इसे पार्टी से वसूला जाएगा। सूत्रों ने कहा कि अगर पार्टी ये कार्यालय खाली नहीं करती है तो जुर्माने की रकम बढ़ती चली जाएगी। बीते अप्रैल महीने में पीडब्ल्यूडी ने आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर कार्यालय तत्काल खाली करने को कहा था, क्योंकि इसे नियमों का उल्लंघन करके आवंटित किया गया था।